फैसलाबाद का पंजाबी हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा, वहाँ शैतान को पत्थर मारे पंजाबी, पत्थर मारन दा ते मौका नहीं मिलया, पर गालां चंगियां कढ़ियां। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं, मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? माँ जी ने कहा, चाय ठंडी करके लाओ, मैंने बर्फ़ डाल दी, अब इतनी सी बात पर चप्पल मारने की क्या ज़रूरत थी? अंग्रेज़ों को छुट्टी मिलती है तो वो पिकनिक प्लान करते हैं, पाकिस्तानियों को छुट्टी मिलती है तो कपड़े धो, सफाई करो, रूटीन के बर्तनों के अलावा बर्तनों वाली सारी अलमारी को भी कुचल दिया जाता है। एक अनपढ़ एमपीए को वज़ीर सेहत बना दिया गया। वज़ीर बनते ही उसने मीडिया के साथ सरकारी अस्पताल पर छापा मारा। वार्ड में 2 मरीज़ों को ऑक्सीजन लगी हुई थी, जबकि तीसरे मरीज़ को नहीं लगी थी। वज़ीर सेहत ने डॉक्टर से पूछा, 2 मरीज़ों को सीएनजी लगी हुई है, तीसरे को क्यों नहीं लगाई? डॉक्टर ने सर से लेकर पांव तक वज़ीर को देखा और फिर ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर ये मरीज़ पेट्रोल पर चल रहा है। प्राइवेट स्कूल्स, टीचर ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट्स, आगरा में। टीचर गलत, सरगोधा में है। सभी स्टूडेंट ने सोचा और उलझन में पड़ गए। इस बारे में स्टूडेंट्स ने अपने वालिदैन को बताया। अगले दिन सभी वालिदैन स्कूल पहुंचे और टीचर से शिकायत करने लगे कि आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? टीचर, सबसे पहले आपको जून जुलाई की फ़ीस जमा करनी होगी, फ़ीस जमा होने तक ताजमहल सरगोधा में रहेगा।